बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 5 अदद आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने पील ऑफ करके वॉश करके और सोक किया हुआ है ठंडे पानी में। अब इन तमाम आलुओं को हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू को ग्रेट करने के लिए मैंने ग्रेटर ले लिया है, ये मोटा वाला ग्रेटर है, बारीक श्रेड नहीं चाहिए हमें, तो ये वाला ग्रेटर का इस्तेमाल मैं करी हूँ। और ये देखें, इसका बोल जो है इसमें मैंने पानी भरा हुआ है। तो जब भी आप आलूओं को ग्रेट करें तो एक बोल ले लें पानी में और ग्रेट किए हुए आलू आप उसी में डालते जाएँ, ताकि आलू काले ना हो, इवन कलर के रहेंगे। तो सारे आलूओं को हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे और ये ऑलमोस्ट मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें से सारा स्टार्च निकाल लेंगे और इसको 3 से 4 पानी के साथ वॉश कर लेंगे। तो तमाम ग्रेट किए हुए आलूओं को मैंने वॉश कर लिया है और इसमें से जितना भी पानी है इसको हम निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है और ये सारा हम श्रेडेड किए हुए आलूओं को इसमें डाल देंगे और जितना भी इसमें एक्सेस पानी है इसको हम निकाल लेंगे। मेक श्योर सारा पानी इसमें से निकल जाना चाहिए। आप कोई भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस छन्नी से काफ़ी अच्छे से पानी निकल जाता है, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो सारा पानी मैंने निकाल लिया है आलूओं में से और इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ आगे के इन्ग्रीडियंट। अब यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं, जिसकी जर्दी मैंने अलग कर ली है और सफ़ेदी अलग कर ली है। तो ये सिर्फ सफ़ेदी डाली है मैंने आलू में अभी, और 3 अदद सफ़ेदी चली गई है इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज, जो कि 1 खाने का चम्मच डाला है मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ। हरा धनिया जाएगा इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा इसमें हम इस स्टेज पर डालेंगे सिर्फ 1 अदद अंडे की जर्दी, और 2 को मैंने उठा लिया है। अब यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कॉर्नस्टार्च का जाएगा और यह है पार्मेसन चीज़। आप कोई सी भी चीज़ का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, श्रेड करके डाल दीजिएगा। तो ये 1 खाने का चम्मच मैंने चीज़ डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में मैंने नमक लिया है, जो कि जाएगा हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। पेपरिका पाउडर 1/2 चाय का चम्मच और पिसी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को डाल देंगे हम इसमें। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस आपने इस रेसिपी के लिए ये ध्यान रखना है, जो हमने ग्रेट किए हैं आलू इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो ये सारा मिक्सर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये आलू का मिक्सर रेडी हो गया है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन को प्री हीट कर लिया है लो फ्लेम पे और इसमें आ जाएंगे तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच तेल के। आप चाहें तो इसमें बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाल दिए हैं मैंने इसमें। तेल डाल के इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे, फैला दिया है मैंने तेल को। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है इस मिक्सर का आलू का और इसको पेटी की तरह इस तरह फैला के इसमें बीच में इस तरह से थोड़ा सा गैप दे देंगे। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसका लुक बनाया है ताकि इसमें हम बीच में जर्दी डाल सकें। और आप चाहें तो इसको बगैर इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हैं और सिर्फ इसको फ्राई कर सकते हैं। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेसिपी परफेक्ट है, लाइक ये हैश ब्राउन की तरह बनते हैं। तो इसको देखें, इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है मैंने और इसके किनारों को भी मैंने बिल्कुल समेट दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अंडे की जर्दी, जिसको मैंने उठा लिया था। तो 2 अदद अंडे की जर्दी जाएगी इसमें, एक एक में दोनों को डाल देंगे। अब इस जर्दी के ऊपर थोड़ा सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हम डाल के स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसको कर देते हैं कवर और लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। तो ई साइड हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। तो कर देते हैं कवर, 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं इसका लुक, कि ये जो जर्दी है बिल्कुल कुक हो चुकी है और ये देखें स्लाइटली ये गोल्डन से कलर में आ चुका है। और इसको हम फ्लिप कर देते हैं और मज़ीद हम यही कलर देने तक इसको कुक करेंगे। तो ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसको इस तरह से प्रेस कर दिया है मैंने 1 मरतबा और अब हम इसको कर देते हैं कवर, 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें बेहतरीन से हमारे सिक गए हैं और ये देखें लाइट से इसमें कलर आ चुका है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। तो आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कर दीजिएगा एक कॉमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।